पीछे से दिखाते हैं आपको। इसके अंदर हर एक चीज़ इंस्टॉल किया गया है, बेड है, बार है, किचन है, बाथरूम है, यहाँ पे बाथरूम की खिड़की लगी है। लुक पीछे से क्या बढ़िया सा लुक देख रहे हो भाई, एकदम रॉयल वाला। भाई हम एक बस में सो रहे हैं लग्जरी में, देख लो क्या बात। वेलकम टू माय चैनल जावेद व्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि मैंने क्या पोस्टर लगाया है, तो रुक जाइए, ये वीडियो डालने का मैं एक रीजन बताता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे मार्केट में दिखाना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, कुछ यूनिक हो, तो मैं ये क्यों दिखाया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आपका भाई लद्दाख होकर आया है, मैं अपनी कार में भी कैंपिंग किया हूँ और मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, राइडर हूँ एक तरह से, आपको पता है। तो आने वाले टाइम पे कोई पता नहीं है कहीं ऐसी गाड़ी हमारे पास भी हो, तो मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाना चाहिए और आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना और कसम से कह रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है। इतनी अच्छी लग्जरी वैन भाई, मैंने तो कभी नहीं देखा, अपने रियल लाइफ में कभी नहीं देखा। हाँ, सऊदी, कतर, ओमान, बहरेन में देखा होगा, कोई ना कोई होगा किसी का, हमारे साहिबा ने भी दिखाया था, लेकिन इंडिया में मैंने अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा है। तो बनते हुए का कोई वीडियो नहीं है मेरे पास में, लेकिन पूरा कवर करूंगा इसको अभी, एक एक चीज डीपली, बाथरूम, बेडरूम, भाई किचन, भाई बार, ए टू जेड किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं है ये वैन अगर आप लेकर के कहीं जाते हैं तो। तो चलिए जानते हैं जो इस वैन को बनवा रहे हैं और जहां ये वैन बना है, हर चीज जानेंगे और एक एक चीज इनसे पूछेंगे कि इसका क्या है, नहीं है, कैसे काम करता है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में डिटेल्स पे हम बताएंगे। तो आगे की जो फुटेज होगी वो होगी DSLR की, अभी मैं आईफोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलते हैं सीधा कंपनी में और आगे का वीडियो इंजॉय कीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कसम से कह रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है। ऐसी ऐसी लग्जरी बस मैंने आज तक नहीं देखा है, सच बता रहा हूँ, और मेरे को तो भाई आई लव इट, मेरे को तो बहुत पसंद है। तो चलो आगे से मिलते हैं DSLR से। तो भाई स्पेशल जगह पर हम आ चुके हैं और पीछे आप देख सकते हो लगी है ये लग्जरी कैंपर बस बोले या बड़ा वाला वैन बोलिए, और इसके अंदर ऐसी लग्जरियस ए से लेके जेड तक, मतलब बेड, जनरेटर, एसी, गर्म हवा, ठंडी हवा, सारा कुछ, प्लस बेड भी है, सोफा भी है, किचन भी है, बाथरूम भी है, ऑल सेट इसके अंदर है। तो अंकल को लेते हैं साथ में। सब अंकल को साथ में लेने से पहले क्या है कि मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखाता हूँ, ठीक है, और आपको शेयर करता हूँ कि बाहर से कैसे दिख रही है ये पूरा, उसको पहले कवर करता हूँ, ठीक है। बाहर से देख सकते हो कितना अच्छा लुक लग रहा है, ठीक है, और ये है लग्जरियस कैंपर वैन, जी हाँ। तो देखो कितना बेहतरीन लग रहा है यार, देख रहे हो। सबसे पहले देखो लोगो, ये है भारत बेंच की ट्रक, ठीक है, ये देखो भारत बेंच की ट्रक है, और पीछे से दिखाते हैं आपको। इसके अंदर हर एक चीज़ इंस्टॉल किया गया है, बेड है, बार है, किचन है, बाथरूम है, यहाँ पे बाथरूम की खिड़की लगी है, वो बाथरूम बाहर, यहाँ से अगर किसी को वेस्टेज होगा निकालना तो यहाँ से निकाल सकते हैं। और पीछे से देखो लुक, पीछे से क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना, बढ़िया। सबसे बेस्ट पार्ट लग रहा भारत बेंच का स्टिकर, ठीक है, और इधर से दिखाते हैं, अभी गेट की एंट्री इधर से है। तो साइड गाड़ी का कलर भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किया गया है, कलर में काम भी देख रहे हो, काम देखो, कलर का काम भाई बहुत ही अच्छे से किया, मेरे हाथ में कैमरा है, और कलर देखो बहुत ही अच्छा से कलर का काम किया गया है, बहुत छोटी छोटी बारीकी को ध्यान दिया गया एकदम, और देख सकते हो डिज़ाइन बहुत अच्छा किया गया है, और खिड़की में भी खिड़की डाला गया है, देखो विंडो बड़ा वाला है लेकिन उसमें भी विंडो लगाया गया है स्पेशली। यहाँ पर बेड है
तो यहाँ पे इसको विंडो दिया गया था कि पीछे से खिड़की में हवा आ सके, और ये है इसका गेट जो इसके अंदर लग्जीरियस चीज़ें लगी है स्पेशली, वो अभी दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत बढ़िया, सबसे बेस्ट पार्ट कलर जो है ना ब्लैक ब्लू और येलो और ऑरेंज की लाइन का कॉम्बिनेशन बड़ा ही बेस्ट है मेरे को ना। देखो कलर आप बताओगे, देखो अभी ये काम हुआ है, पूरा पेंटिंग का काम हुआ है इसमें, और ये पूरा एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से पेंट हुआ है। स्पेशली भारत इंजीनियरिंग वर्क्स पर पड़ता है पठानकोट में, तो वहीं इसे पूरा बनाया गया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप भी अगर ऐसी गाड़ी बनाना चाहते हैं खासकर ट्रक या बस, तो आप बनवा सकते हो भारत इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है, अभी अंदर जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन अंदर जाने का जो मतलब, कुछ अंकल ने कहा है कि पेप्सी वगैरह की बोतल आ जाए, चाय वगैरह आ जाए, कुछ डब्बे बोतल्स वगैरह रख देंगे तो अच्छा लुक आएगा। मैं पहली बार ऐसी चीज़ देखा, मैंने कहा यार इसको वीडियो में कवर करना चाहिए, और अक्सर मैं भी अपनी कार में कैंपिंग वगैरह करता हूँ, तो मैंने कहा यार इसका वीडियो बनाना चाहिए स्पेशली। और देखो अभी गेट खुल चुका है, और गेट खुलते ही सामने का लुक देखो। तो ये हैं अंकल, सबसे पहले अंकल का नाम पूछते हैं, और वेलकम है हमारे चैनल पर। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम अशोक कालसी। अशोक कालसी जी। और हमारे दूसरे अंकल हैं यहाँ पे राजेश महाजन अंकल, इनके ही फैक्ट्री में भारत इंजीनियरिंग वर्क्स में ये लग्जरी बस बोलिए या मोटर वैन? मोटर होम। अच्छा अंकल मोटर होम बोल रहे हैं, बट हम व्लॉगर के स्टाइल में अगर लेंगे तो इसे कैंपर वैन बोलेंगे, लग्जरी वैन, वैनिटी वैन भी कह सकते हैं। तो अंकल के फैक्ट्री में बना है, और ये एक वन पीस है जो पहली बार मैं देखा हूँ, तो मैंने कहा यार व्लॉग बनाते हैं, अंकल ने भी कहा बनाते हैं, तो अंकल का कारीगरी दिखाते हैं और अंकल का डिज़ाइन दिखाते हैं इसमें कि कैसे क्या क्या बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की गई है। तो चलिए अंकल, गेट तो खुला ही हुआ, आप देख सकते हो बाहर से आपने देख लिया है, और सीढ़ियाँ देख सकते हो आप बहुत ही अच्छा से सब कुछ। अंकल जा रहे हैं अंदर, और अंदर में लाइट्स की कमी नहीं है, बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं। सबसे पहले फ्लोर चेक करो, फ्लोर देखो बहुत ही अच्छे से काम किया गया है, देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से। ये देखो फ्लोर भाई एकदम प्रॉपर तरीके से पूरा अच्छा वाला। तो अंकल अभी दिखाने वाले हैं, मैं अंदर आ गया हूँ पूरा प्रॉपर, अभी हम इस गेट से अंदर आए हैं। ठीक है, ये रहा गेट, गेट बंद भी कर सकते हैं, अभी गर्मी लग रहा है, हम लोग इतना अंदर आ गए यहाँ पे। तो स्पेशली अंकल ये पूरा सोफा है या सोफा के कम बेड है? ये सोफा कम बेड है। अच्छा, और हम इसको ड्राइंग रूम बोल सकते हैं, बेसिकली दिस इज ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम बोल सकते हैं, ड्राइंग रूम है, इसमें दो लोगों के सोने की व्यवस्था की है हमने। अच्छा, और ये रिक्लाइनर है। अच्छा, ये मोटराइज है। अच्छा, और ये सिंगल बेड है, सिंगल बेड भी बन जाएगा? हाँ, सिंगल बेड बन जाता है, और उसका जो होल्डिंग टेबल की प्रोविजन है। अच्छा अच्छा, और जो मोटराइज है। अच्छा, चार्ज भी हो जाएगा सब? चार्ज हो जाता है इसमें, मोबाइल चार्जर की प्रोविजन भी है, सारा चीज़ है ना। अच्छा, ये मोटराइज पूरा आपको, ये सब कुछ जो इसमें लाइट का सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है वो क्या जनरेटर से है या गाड़ी की बैटरी से? ये डायरेक्ट बैटरी से है। अच्छा, गाड़ी की बैटरी से। और जो हमने इसमें बाथरूम और किचन की पेंट्री की प्रोविजन दे रखी है। हाँ जी। और जितने भी हमारी दूसरी आइटम्स हैं, हॉट प्लेट है, इलेक्ट्रिक केटल है, वो हमने जनरेटर के साथ ही, जनरेटर के साथ ही, प्लस एसी भी है, तो एसी गाड़ी, एसी भी डायरेक्ट गाड़ी के साथ, मेन इंजन के साथ है। अच्छा, इसलिए हमने ये चेसिस सेलेक्ट किया है, बिकॉज इसकी हॉर्स पावर भी ज्यादा है और इसकी हाइट भी ज्यादा है। अच्छा, मेन रीजन यही है जी। अच्छा, तो प्रॉपर देखो भाई यहाँ पे, प्रॉपर यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा, ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सोफा सेट के साथ में ये बेड भी मिल जाता है। ये अंदर ये छोटा भी हो जाता होगा? हाँ, इसको है ना, ये छोटा भी कर सकते हैं ना, ये अभी हम इसको दिखाई देते हैं ना करके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लो तो अभी हम इसको, इसमें सामान, अच्छा अच्छा, इसके अंदर हम डाल देंगे इसके, वाह, मतलब कि जगह की कमी नहीं है, पूरी जगह है इसके अंदर। ये देखो ये अंदर आ गया इसके अंदर, वाह क्या बात है। और ये देखो, ये हुई ना बात, वाह भाई वाह। और ये बाद में हमारा सिटिंग एरिया बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और इसमें कर्टेंस भी लगाए गए हैं, कर्टन दे रखे हैं। हाँ, अगर बहुत जब हमने बाहर का सीन देखना है हाँ, तो ये हमारा लिविंग एरिया बोल सकते हैं हम। हाँ, बहुत अच्छा, अंदर बहुत ही अच्छा बनाया। देखो स्विचेस वगैरह भी देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा इन्होंने लगवाया है, बहुत ही देखो प्रॉपर तरीके से चार्ज वगैरह कर सकते हैं। फैन भी है, एसी भी है। और इसमें जो मेन बात जो है कि जो हमने लग्जरी एक लुक दी है, रॉयल लुक दी है, दिस इज एन इटालियन डिजाइन बेसिकली, तो मैंने इंटरनेशनल डिजाइन पे इसको डिजाइन किया हुआ है। और इसका जो इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन है वो भी एक यूनिक है, लग्जरी, बहुत बहुत रॉयल लुक, रॉयल लुक लग रहा है, ब्लू में ब्लैक, बहुत ही रॉयल लुक लग रहा है। और तो इसमें हमने फोल्डिंग टेबल की अच्छा, यहाँ पर टेबल भी है, जैसे हम इसको यूज करते हैं खाना पीना, कुछ खाना है रखना है, चाय की बोतल, खाने की सामान कुछ रखना है प्रॉपर। देख सकते हो यार, चेक करो यार, बहुत ही अच्छा इंस्टॉल किया। प्लस यहाँ पे भी कर्टेंस लगाए गए हैं, यहाँ पे भी कर्टेंस खोल के ये देखो, ये बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया। तो चेक करो बाहर का लुक भाई, विंडो में विंडो बहुत ही अच्छा। ये सारा जो डिज़ाइन है ना, अंकल के माइंड से निकल के आया है और अंकल ने खुद ही डिज़ाइन किया है सारा कुछ। और ये तो लिविंग रूम समझ लो इसको, एक तरह से लिविंग रूम है, आराम से बैठने के लिए लिविंग रूम। और ये बिल्कुल हम लग्जरी कह सकते हैं इसको, लग्जरी कह सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। और इसमें पूरी व्यवस्था दी हुई है, बहुत अच्छा, बहुत। और ये स्लाइडिंग होके बेड भी बन जाता है, बेड भी बन जाता है पूरा, आराम से लेट भी सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा लिविंग आप देख सकते हो। और यहाँ पे लाइट्स वगैरह और एसी का जो आप देख रहे हो, यहाँ पे वेंट लगे, एसी वेंट सारे लगे हुए हैं। और एसी में कमी नहीं है, बहुत पूरा वेंट। और इसमें स्पेशल बात क्या है कि जब गर्मी है तो इसमें कूलिंग एयर है। अच्छा, जैसे अभी विंटर्स हैं, सर्दी है तो इसमें गर्म एयर, गर्म हवा भी आएगी और ठंडी हवा भी आएगी, दोनों एक साथ, दोनों है। वाह, टॉप मॉडल एसी है, बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद इसके देखो, ये लिविंग रूम है, लिविंग रूम से ही यहाँ से, ये तो हमारा एंट्रेंस ही है और यहीं से सामने बार है, बार हमारा। ठीक है, ये देखो चेक करो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे पूरी प्रोविजन है, एंजॉयमेंट पूरा एकदम एंजॉयमेंट का है। और नीचे इसके यहाँ पे ये पूरा फ्रिज लगा रखा है, बहुत ही अच्छा। देखो फ्रिज का भी अच्छा सिस्टम है, फ्रिज हिले डुलेगा नहीं, बहुत ही अच्छा से फिक्स किया गया है, प्रॉपर फिक्स है। ठीक है, अभी इन सबका कनेक्शन नहीं किया गया क्योंकि अभी ये आज बन ही है फाइनल में, हम कह चलो वीडियो शूट कर लेते हैं। पूरा बार का है, अभी आप यहाँ पे कब देख रहे हैं, जब बस चलेगी तो कब वगैरह को साइड में रख दिया जाएगा, ऐसे तो ये हिलेगा डुलेगा गिरेगा, लेकिन जो ये सब कब का आपको पता है कि चलने के बाद ही काम आता है। और इसी के जस्ट बगल में ही यहाँ पे सामने देखो पूरा खाने पीने का हमने एक पैंट्री दी हुई है, इसमें पूरा सिंक है, हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक कैटल्स, माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव है। ठीक है, और इसके अंदर हमने जितनी क्रॉकरी चाहिए जी सारी सर्दी को हमने सारी प्रोविजन दे रखी है, पूरा घर की तरह पूरा है। ये चेक करो यार, और नीचे पूरा वॉश बेसिन के लिए सारा पूरा 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 मतलब स्पेस पूरा है किचन में भी। हाँ, पूरा घर की तरह, पूरा किचन ही है घर की तरह पूरा। और उसके बाद हमने इसके ठीक ये देखो, ये है स्पेशल बाथरूम है, स्पेशल तब अंकल बताएंगे स्पेशल बाथरूम में क्या क्या लगाया गया। इसमें शॉवर है, हॉट एंड कोल्ड वाटर का हमने प्रोविजन दे रखी है, ये चीट है। और जितना भी हमने एक्सेसरीज यूज़ किए हैं जैगोर की और हाई क्वालिटी के जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं, ये इधर वॉश बेसिन है, लुकिंग ग्लास है प्रॉपर, और पूरी एक रॉयल लुक दी हुई है, पूरा पूरा एकदम बेटर देन होम। इधर भी ग्लास है, इधर भी ग्लास है, लाइट्स भी लगी है, सबसे अच्छी वाव, फ्लोरिंग भी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, और पूरा बाथरूम का सीट लगाया है यहाँ पे प्रॉपर, पूरा भाई हाफ घर है पूरा का पूरा। ठीक है, अंकल ने बाथरूम दिखा दिया और अब चलते हैं पीछे। इसके बाद ये तो देखो बार के साथ में बाथरूम भी है, इसके ठीक साइड में यहाँ पे किचन भी है और सामने में एक और गेट है। ठीक है, ये देखो इस गेट में हमारा जो रेस्ट रूम आप बोल सकते हैं, बेडरूम, बेडरूम प्रॉपर बेडरूम है जी। और इसमें अगर आप देखेंगे पूरा एलईडी हमने दी हुई है, ये एलईडी भी लगा हुआ है यहाँ पे, और सेम विंडोज भी हमने दे रखी हैं। सपोज कोई लेटा हुआ तो उसको हमने बाहर का सीन दिखाना तो वो भी दिखा सकते हैं। ये देखो प्रॉपर कर्टेंस लगे हैं, ये कर्टेंस हैं। ठीक है, और इस विंडो में भी विंडो है ताकि पूरा प्रीमियम दे रखा है, सेफ्टी कंफर्टर, और किसी को ऐसे इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है, जो ह्यूमन कंफर्ट और सेफ्टी है उसके हिसाब से हमने सारी प्रीमियम दे रखी है, बहुत अच्छा। और सबसे मेन चीज देखो ना,
ये टीवी पैनल है यहाँ पे बहुत ही अच्छा बना हुआ, एलसीडी लगी है। हाँ अभी लिविंग रूम में भी टीवी लगने वाला है, है ना, बाकी अभी। इसके साथ साथ ये जो है इसके नीचे में देखो ये स्पेस, स्पेस चेक करो, यहाँ पे जूते रखने हैं, कपड़े रखने हैं, कुछ भी रखना आराम से रख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा बॉक्स, ये बॉक्स भी अंकल बॉक्स वाला होगा, बॉक्स वाला है ना, इसके अंदर भी हम सामान रख सकते हैं इसमें, देखो आराम से भाई, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा लुक देख रहे हो भाई, एकदम रॉयल वाला। भाई हम एक बस में सो रहे हैं लग्जरी में, देख लो क्या बात है। कपड़े वगैरह रखने के लिए आपका अगर शर्ट है कोई कुछ है तो टांगने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे सब कुछ लगाया गया है प्रॉपर तरीके से, पूरा जबरदस्त। मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पे स्विच भी है, देखो स्विच है, प्लस यहाँ पे एसी का कंट्रोल भी है थोड़ा, हाँ, और पंखा भी लगा है, यहाँ भी एसी वेंट सब कुछ है, प्लस ये भी लाइट है, और लाइट है क्या अंकल, नहीं देखो ये फैन भी चल रहा है, फैन है। एक क्या बात है। तो ये है पूरा कैंपर वैन, ले लो मोटर होम। लाइटिंग्स देखो पूरी एलईडी लाइट्स लगाई गई है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये जो है अंकल जैसे ये स्विच वगैरह है, ये सब का आपका मतलब आइडिया कैसे है, यहाँ पे ये स्विच लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है। अच्छा, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हम एंटर करते हैं बाथरूम में तो बाहर से उसको ऑन ऑफ करना होता है, ऐसे बेडरूम में भी ऐसे है, तो बेडरूम में हमने दोनों प्रोविजन दिए अंदर और बाहर से। जी जी जी, भाई देखो चेक कलर कॉम्बिनेशन वैसे मैच किया, बहुत बढ़िया। देखो यार घर का ही पूरा यहाँ पे इन्होंने लॉक वॉक सब कुछ लगा है, इसमें चाबी भी है, आपको लॉक करना है आराम से लगा करके हम लॉक भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देखो चाबी वगैरह, और बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बहुत। ये फ्लोर चेक करो आप, फ्लोर भी बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग हो रखी है अंकल ने, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया है। और यहीं से गर्म हवा भी आएगी, ये सेक्शन के लिए है, ये सेक्शन के लिए, हाँ, और ये इनलेट इसके अंदर दोनों साइड पे। अच्छा, फ्रेश जो हॉट एयर कूल एयर वो दोनों साइड से आती है जहाँ सेक्शन होती है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा देख करके, मज़ा आ गया यार। तो देखो भैया हमारे एक पीछे काम कर रहे हैं, टेबल का पूरा फ़ायदा लेते हुए लिविंग रूम का स्पेशल, मैं भी इस चेयर पे बैठ जाता हूँ, ये देखो क्या बात है। तो फर्स्ट टाइम ये लग्जरी की सवारी हम कर रहे हैं इस पूरे वैन में बैठ करके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब तक आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप बताओ कमेंट करके कैसा लगा, ये डिज़ाइन कैसा लगा। वैसे अंकल ये डिज़ाइन जो आपने बनाया है, मतलब कि कुछ तो आपने सोचा होगा कि इतना बड़ा करना है, ऐसे ऐसे डिजाइन करना है, क्या क्या दिक्कतें हुई आपको? मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ जो भी ऑडियंस देखेंगे इस वीडियो को। जी, मैंने 32 कंट्री विजिट की है, 32 कंट्रीज आई हैव विजिटेड, और जो ये डिज़ाइन मैंने किया है ये इंटरनेशनल लेवल पे किया हुआ है, ठीक है। इसमें इटालियन लुक है, यूरोपियन, और जो इसमें इंडियन लुक नहीं है, चाहे वो बाहर के ग्राफिक्स हैं, चाहे इंटीरियर कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी वाइज, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने डिज़ाइन किया हुआ है इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। अब तो लोग बता वीडियो देख रहे होंगे, फर्स्ट कैंपर वैन ऐसी है जो स्पेशली बस में तो सब बनवा लेते हैं, बट ट्रक जैसी पे जैसे था फर्स्ट, हाँ ट्रक में ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, और इतना प्रीमियर लुक है, प्रीमियम लुक है पूरा लग्जरी वाला, और हर एक चीज़ का सेटिंग प्लस स्पेस भी पूरा है यहाँ पे, बेसिकली फैमिली की चीज़ के लिए, बेसिक फैमिली के लिए, मतलब पर्सनल फैमिली में भी लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। हाँ, तो इसमें अकोमोडेशन अच्छी है, अच्छा, आगे भी सोने के लिए बैठने के लिए प्रोविजन है, पीछे सोने के लिए है आराम से, और मेन बात है कि हर चीज़ अवेलेबल अंदर खाने पीने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, जैसे आप बाहर की बात करते हैं, चाहे किचन की बात करते हैं, पेंट्री की, इवन इसमें वॉशिंग मशीन भी है, वॉशिंग मशीन भी है, और बैचर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो भी है, बर्तन अपने आप साफ करने के लिए, अभी वो सब अभी धीरे धीरे लगाना है बाकी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो थैंक यू अंकल, आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे आपकी ये प्रॉपर लग्जरी गाड़ी का वीडियो बनाने का। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू अंकल, बहुत बहुत थैंक यू। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा अंकल, जो है ना हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके साथ में इनकी फोटो है, तो 2020 में मेरे को बेस्ट अवार्ड भी मिला था बॉम्बे में। जी जी, तो फोटो मैं आपको शेयर करता हूँ अंकल का, मैं भी देख करके, एक बोलते हैं ना कि यार एक सरप्राइज हो गया यार, अंकल हमारे इतने मतलब दूर दूर तक पहुँचे, तो बनता है अंकल से मिलना, तो बहुत बहुत अच्छा लगा अंकल मिल करके, और गाड़ी भी आपकी A1 परफेक्ट, थैंक यू, ठीक है। और स्पेशल थैंक है हमारे अंकल का, स्पेशल थैंक है हमारे अंकल का, स्पेशल थैंक अंकल का, तो अंकल को हम ये बोलना चाहेंगे अंकल ऐसी गाड़ियाँ और कोई बनवाना चाहे नहीं जरूर, तो भारत इंजीनियरिंग वर्क्स आ जाओ पठानकोट।
वाह श्योर है ना, वेलकम वेलकम है अंकल की स्माइल देखो बहुत बढ़िया थैंक यू अंकल। तो चलो मजा आ गया गाड़ी देख करके, रात हो गई है ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.